बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो नीतीश कुमार ही उनको फंसाया। देखिए बीजेपी क्या कह रही है नहीं कह रही है, लेकिन बीजेपी जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो वो इसी तरह का कर रही है कारनामा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। इसकी आशंका तेजस्वी यादव जी ने तो कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने ही कहा था कि हमारा नाम नहीं है, लेकिन ये आशंका है कि बीजेपी जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम से घबराई है कि हमारा भी नाम घसीटा जाएगा, हमारे ऊपर चार्जशीट कर दिया जाएगा। ये बीजेपी ने किया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लालू जी ने विपक्षी दलों के बैठक में कहा था कि हम फिट हो गए हैं, मोदी जी को फिट कर देंगे, तो ये फिट करने का रिएक्शन है जो चार्जशीट हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो खेल किया उसका अंत बिहार में होगा। और ये जो लोग जो टूट टूट की बात कर रहे हैं, महागठबंधन में टूट, जेडीयू में टूट, इनका सपना बीजेपी का ऐसा टूटेगा सपना ख्वाब कि चारों खाने चित्त इसी सावन में हो जाएगी बीजेपी। तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद जी को ये लोग कितना छापेमारी करवाएंगे, कितना चार्जशीट करवाएंगे। अब तो बीजेपी का मतलब है बीमार जनता पार्टी, अपना दवाई इलाज करा रही है आईटी ईडी सीबीआई की दवाई से। अब ये ओवरडोज भी रिएक्शन होता है दवाई का, ये ओवरडोज ही है। जब सुबह उठिए तो आज छापेमारी, आज चार्जशीट, आप लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, जब से सरकार बनी है। तो भाजपा मुक्त भारत बनाने का रास्ता हो रहा साफ, अब ये भाजपा का पूरी तरह से हो जाएगा सफाया। जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव को जो कार्रवाई सरकारी एजेंसियों द्वारा हो रही है, इसका कागज नीतीश कुमार ने ही अवेलेबल करवाया है। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का प्रवचन और ज्ञान देती है। ये सारा कारनामा भाजपा का करतूत है। पॉलिटिकल जो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो इसी सब तरह का कारनामा ये करते हैं। आज देख लीजिए, भाजपा से जिनकी हो गई यारी वो हो गए सदाचारी। महाराष्ट्र में सारे भ्रष्टाचारी थे। चार दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गारंटी देते हैं छोड़ेंगे नहीं, मतलब इस बात की गारंटी थी कि सब लोग को भाजपा में शामिल कराएंगे। अब दूसरे को भी सोच रहे हैं वो भाजपा में शामिल हो जाए, ये नहीं होगा। ये लड़ाई बड़ी है और ऐसी लड़ाई होगी कि बीजेपी को भी याद रहेगी। बीजेपी का कुछ लोग तेजस्वी यादव की बर्खास्ती मांग, अरे ये तो 365 दिन 2400 घंटे बीजेपी की बर्खास्तगी की मांग रहती है। बीजेपी के दया कृपा से तेजस्वी यादव जी हैं, बर्खास्तगी है क्या, सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया था, बीजेपी को बेदखल कर दिया गया था। पिछले सावन में नाव डूबी थी, सबको पता है ना। अब आज से सावन शुरू है, ये 2 महीने वाला सावन है। ये सावन भी बीजेपी पार कर ले, अपना संगठन घर बचा ले, यही बहुत है, नहीं तो इसी सावन में इनका पार्टी डूबेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।